जैसे ही गणेश उत्सव समाप्त होंगे उसके बाद ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी। और हिंदू धर्म में पितृपक्ष काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में सभी पितर धरती पर आते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। उनकी इच्छा होती है उनकी संतान उनका श्राद्ध तर्पण पिंडदान करे ताकि उन्हें शांति मिले। 17 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और 2 अक्टूबर को इसका समापन होगा। श्राद्ध में तर्पण के समय एक फूल का विशेष महत्व है। इस फूल का नाम है काश। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूजा में काश के फूल का इस्तेमाल न करने से श्राद्ध कर्म अधूरा रहता है। श्राद्ध कर्म में कुछ चीजों का खास महत्व होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण के दौरान किसी भी फूल का इस्तेमाल ऐसे नहीं होता। तर्पण के लिए काश के फूलों का उपयोग करना चाहिए। अगर काश का फूल नहीं मिल पाता तो जूही, चंपा या मालती के फूलों से भी तर्पण किया जा सकता है। कहा जाता है जिस तरह तर्पण करते हुए कुश और तिल का इस्तेमाल बेहद शुभ है, उसी तरह से काश के फूल का उपयोग करना भी शुभ फलदायी है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए काश के फूल का होना आवश्यक है। पितृ तर्पण में भूल कर भी आप इन फूलों का इस्तेमाल ना करें जो हम आपको अब आगे बताने वाले हैं। बेलपत्र, केवड़ा, कदम, मौलसिरी, करवीर और लाल काले फूलों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं और उनकी नाराजगी परिवार पे भारी होती है। कष्ट होने लगते हैं, आर्थिक परेशानियां होती हैं। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म आप विशेष पंडित से या जो ज्योतिष के जानकार हैं उन्हीं से ही कराएं। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। अभी के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे।